नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां पटना के गांधी मैदान स्थित 27 बुक स्टॉल को सरकार के दिए निर्देश के बाद हटा दिया गया है, जिसके बाद बुक स्टॉल के मालिकों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों से हम लोग यहां पर किताब बेच रहे हैं और अचानक से सरकार हमें हटा देती है, जो कि गलत है। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए बुक स्टॉल के मालिकों ने क्या कुछ कहा है। पर हम लोग पुराने किताब बेचते थे, बहुत 40-50 साल से यहाँ पर हम लोग रहते थे, बियाड़ा के ओसारा के नीचे और इस तरफ रिजेंट सिनेमा के बगल में, जो आप देख रहे हैं ये गार्ड लोग सब खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग 40-50 साल से रहते थे, ज़मीन पर किताब रख के बेचते थे। उसके बाद 2007 में एक यहाँ साहब आए, बियाड़ा के MD, उनका नाम था श्री KK पाठक साहब, बहुत ही मानव दिल के थे, अच्छे हृदय के थे। उन्होंने हम गरीबों को यहाँ पर एक एक स्टॉल दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया और गार्ड दिया, अपने जनरेटर तक का पानी दिया और उसके बाद कुछ रुपया मुहैया कर दिया कि आप लोग गरीब हैं, 4,000-4,500 जो आप लोग से हो सके हर महीने देते रहे। हम लोग देते थे, आराम से यहाँ पर रहते थे, कम से कम 500 पर किताब जन के घर परिवार को मिला करके 500 आदमी का रोटी रोजी खाना पीना, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई दवाई सारी चीज़ इसी किताब के स्टॉल से चलती थी। हाँ, सरकार के नुमाइंदे को पार्किंग की जरूरत हो गई है, इस कारण 500 घरों को ना बेरोजगार किया जा रहा है, क्योंकि उनको मतलब AC गाड़ी जो होता है ना वो लगाने में प्रॉब्लम, यहाँ बियाड़ा की ठीक है ना, उनको मतलब गाड़ी लगाने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हुआ कि भाई बेरोजगारी का तो जो दिक्कत है नहीं बिहार में, तो ऐसे चलता है 500 घर रोड पर ही आ जाएगा तो क्या लेकर। लेकिन हम लोग कल से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर। भागन बिघा ओपी क्षेत्र मोरा तालाब के नवादा पर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव और गोलीबारी हुई है, जिसमें एक किशोर को गोली लग गई। आनन फानन में घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल युवक का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके से दो खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। तो ये कब से ही विवाद चल रहा है, आज क्या हुआ? चल रहा है सर, 6 महीना से। अच्छा, क्या विवाद चल रहा है? कि नदी ना पानी नहीं गिरे देंगे। अच्छा, हमारा पर्सनल नदी तो आज क्या हुआ? आज उसी में पानी गिरा रहा है सर, मुखिया जी बनवा के सर नहीं गिरे दिया। अच्छा, क्या हुआ फिर? रोड़ा चला, खूब गोली चला, गोली कितना चला है? 60 राउंड लगभग लगा भी किसी को लगिया है। क्या है? नवादा पर ग्राम है सर, मोरा तालाब पंचायत के अंदर नवादा पर का गांव है, समझ गए ना। यहाँ मुखिया जी कार्ड शुरू किए हुए थे मिट्टी भराने का, जिस दौरान है जो मतलब गोली छोड़ना अंधाधुंध शुरू कर दिया। कितना राउंड गोली छोड़ा? 50-60 राउंड छोड़ दिया सर। उधर पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र से विगत 22 दिनों से लापता 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। बता दें कि मृतक 8 वर्षीय बच्चा गूंगा था, जिसका सड़े गले अवस्था में शव मिला है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि बच्चे की पहचान उसके परिजनों ने उसके कपड़े से की है। पहचानते कि हारा जमा है, शॉर्ट फुल है, ऊपर से बंडी पहना हुआ है और नीचे जो है कि जींस पैंट है। तो बागल ना था वो? हाँ जी, बागल गुंगा था। गुंगा था जी। तो कब से लापता है? 13 तारीख से। 13 तारीख से। इस बीच में कहीं खबर नहीं लिया आप? सबसे से खबर लिए, सबसे फोन भी किए, थाना में भी आवेदन दिए, माइक से प्रचार सर, शिवहर, फेनहारा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, घोड़ा सहन। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय और संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षकों और छात्रों ने आज बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय प्रांगण से संजय गांधी जैविक उद्यान तक रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्रों ने संजय गांधी जैविक उद्यान के प्रवेश द्वार में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को पर्यावरण बचाने, प्लास्टिक के उपयोग ना करने, पानी बचाने और जरूरत ना पड़ने पर वाहनों के कम इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। देख ले मेरी तरफ भी एक बार, तेरे किसी दिन तो काम आ जाऊंगा।
पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र में एनएच किनारे एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक को गोली मारी गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस को मृतक के पॉकेट से मिले मोबाइल से उसके घर वालों का नंबर मिला और पुलिस ने मृतक के परिजन को घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान रक्सौल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गाँव के रहने वाले 45 वर्षीय रामानंद महतो के रूप में हुई है। घर पे पापा जी थे, उसके बाद शाम को निकले, उसके बाद कोई आदमी मतलब कोई था या नहीं था वो तो नहीं देखे, मगर पापा जी वहाँ से चले गए और बार बार में ले जाकर के उनको मार दिया है। यहाँ पे मोतिहारी ला करके गोली मारा है, फाइव से मारा है, पिस्टन से मारा है, सर मार करके फेंक दिया है। फिर सर लोग सुबह में कॉल करके बताए थे हम लोगों को ऐसे ही सब आते तो हम आए यहाँ। कौन लोग मारे थे कुछ सर? तो लोग का मालूम नहीं है सर कौन मारे हैं, वो तो हम लोग हमको पता नहीं है सर। तुमको पश्चिम चंपारण में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग एवं जिला रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वाधान में रेड क्रॉस भवन परिसर में पौधरोपण किया गया। रेड क्रॉस के प्रभारी चेयरमैन सैयद अब्दुल मजीद, सचिव डॉक्टर जगमोहन कुमार एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि तेजी से कटते वृक्षों, बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव के बीच इस जीव जगत के लिए पर्यावरण को बचाना हमारा नैतिक ही नहीं बल्कि मूल और मुख्य दायित्व है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रोटरी क्लब और पारस अस्पताल के सौजन्य से मोतिहारी में कैंसर स्कैनिंग कैंप का आयोजन किया गया। मोतिहारी के एक निजी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विधि व गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे। सहरसा के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था अब काफी बेहतर हो गई है। बता दें कि 12 वर्षीय बच्ची के चेस्ट में पल्स जमा हो जाने से वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। हालांकि बच्ची का इलाज पंजाब से लेकर कई बड़े बड़े शहरों में हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं उस बच्ची का सहरसा सदर अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ। पंजाब में नहीं थी। पूरा ठीक नहीं भले ना, अभी यहाँ सदर सदर अस्पताल की सब व्यवस्था ठीक है? हाँ, देख रेख करे डॉक्टर साहब से इलाज ऑपरेशन जब ऑपरेशन तक वो लगला खर्चो भेला ऑपरेशन कुछ लग। जब छाती में इनको पस था, छाती में पस था तो ये बाएं साइड में तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था और पस रहने के कारण इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ा हुआ था। पेशेंट का दम फूल रहा था तो पेशेंट को जो है सो ICD होता है, छाती में जो है सो एक छेद करके छाती के अंदर पाइप लगाना पड़ता है। तो उस स्थिति में पेशेंट का हम लोग को जो है सो मैं पेशेंट को ICD डालने में रिस्क था, तो पेशेंट को ICD डालने के बाद ऑपरेशन के बाद अगर कुछ हो जाता है तो फिर जो है सो पेशेंट के आदमी ने हम। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव प्रणव शंकर के नेतृत्व में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवासीय परिसर में वृहद वृक्षारोपण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार जिला जज समेत सभी न्यायाधीशों की धर्मपत्नी और बच्चों ने उमंग के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत के काली मंदिर परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन DM अरविंद कुमार वर्मा, बेनीपट्टी के SDO अशोक कुमार मंडल, BDO रविरंजन, CO पल्लवी कुमारी गुप्ता और मुखिया अवध किशोर झा समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत अनामिका, सोनालिका, निधि और नेहा द्वारा मंगलाचरण और स्वागत गीत गाकर किया गया। कई जगहों पे बुके देने के बजाय पौधा ही लोग गिफ्ट करते हैं, ये सब जो आदत में आ गई है ये कि अब बहुत सारे वृक्ष लगने लगे हैं उसमें दिखाई देने लगा है सरकार कि अब जो हम लोगों का प्लांटेशन का कवर है वो बढ़ रहा है और सुधार दिख रहा है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अवैध माफिया जो अभी भी पेड़ों को काटते रहते हैं इलीगली। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।